नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है राजेश कुमारी जी, जो कि बहुजन समाज की बहुत बड़ी शुभचिंतक है और समाजसेवी है। हमेशा बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए तत्पर रहती है। आज इनसे पूछना चाहेंगे कि आरक्षण को लेकर हमेशा राजनीति होती रहती है, तो ये वास्तव में आरक्षण है क्या? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सरिता जी आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आरक्षण है क्या और आरक्षण पे राजनीति होती रहती है। आरक्षण पे तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं बताती हूँ कि देश की आज़ादी से पहले पूरा देश 250 साल की गुलामी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। पूरा देश जो है अंग्रेज़ों से 250 साल की गुलामी के लिए आज़ादी मांग रहा था कि हम देश को आज़ाद कर दो। लेकिन अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 4000 साल की गुलामी के लिए लड़ रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये लोग तो केवल आपके गुलाम हैं, ये लोग तो केवल अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, लेकिन मैं और मेरा समाज तो गुलामों का गुलाम है। मैं तो इनका भी गुलाम हूँ, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का भी गुलाम हूँ और अंग्रेज़ों का भी गुलाम हूँ। मैं तो डबल गुलाम हूँ, तो मुझे आज़ादी कब मिलेगी? तो यही सब चीज़ें चल रही थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ज्ञान के बल पर एक जो इस देश की व्यवस्था को अंग्रेज़ों के सामने रखने का साहस किया, क्योंकि यहाँ हमें कोई अधिकार नहीं थे। हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, हमें स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें अच्छे मकानों में रहने का अधिकार नहीं था, हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाने का अधिकार नहीं था। मतलब कितनी बातों को हम कहें कि हमें अधिकार नाम की कोई चीज़ हमारे जीवन में नहीं थी। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई, अंग्रेज़ों को कन्वेंस किया कि देखो हमारे साथ ऐसी व्यवस्था, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमारे साथ होती हैं, लेकिन जो यहाँ का जो उस वक्त के जो कुछ लोग, जो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग थे, उन्होंने उस चीज़ को दूसरे रूप में पेश किया कि नहीं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, हम तो भाईचारे के साथ रहते हैं, आप बस आज़ादी हमें दे दें, बाकी तो हम अपना भाईचारे के साथ रहेंगे, ये हमारा घरेलू मामला है, इसे हम लोग ठीक कर लेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई कैसे घरेलू मामला है? तो बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महाड़ का तालाब पड़ता है, वहाँ पर पानी पीने के लिए संघर्ष किया। तो जब बाबा साहब वहाँ पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो सब लोग अपने अपने पंडाल में थे, तो उनके ऊपर अचानक से हमला कर दिया मनुवादी लोगों ने, और वहाँ हमारे लोगों को चोटें आई, हमारे लोगों के सर फटे, हमारी महिलाओं को चोटें आई। तो बाबा साहब ने देखा कि भाई ये लोग तो हमारे साथ, जहाँ ऐसे तालाब में जहाँ कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता है, गाय भैंस पानी पी सकती है, लेकिन वहाँ मेरा आदमी वहाँ पानी नहीं पी सकता, ये कैसी व्यवस्था है? और दूसरी तरफ बाबा साहब ने 1930 के अंदर नासिक में कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया, 1.5 साल आंदोलन किया, लेकिन किसी एक ने भी बाबा साहब का साथ नहीं दिया, ना महाड़ के तालाब में साथ दिया, ना कालाराम मंदिर में साथ दिया। जब बाबा साहब ने कालाराम मंदिर में प्रवेश किया, तो वहाँ पे भी बाबा साहब के साथ लोगों को, जब वो मंदिर में जैसे एंट्री की, तो उनको ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई। जब बाबा साहब ने देखा कि वहाँ भी समाज के लोगों के सर फटे और खून खराबा हुआ, तो बाबा साहब ने ये सब बातें जो है अपने पास रखी। तो बाबा साहब ने बार बार इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हम तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे और ये बाकी देश भी अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो जब वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त रैमजे मैकडोनल्ड, तो उनको बताया कि देखो हमारे साथ ये सब व्यवस्था होती है, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और महात्मा गांधी जी को
इंग्लैंड बुला लिया। तो सेकंड राउंड टेबल की बात है तो बाबा साहब ने कहा कि देखो हम समाज में हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। तो बाबा साहब ने अपने तर्क रखे और महात्मा गांधी जी ने अपने तर्क रखे, लेकिन जब बाबा साहब ने बोलना शुरू किया तो महात्मा गांधी जी वहाँ कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि उन बातों में, बाबा साहब की बातों में सच्चाई थी। बाबा साहब सच बोल रहे थे और गांधी जी उन बातों का विरोध नहीं कर पाए। और बाबा साहब ने कहा कि हमारे साथ ये व्यवस्था है तो हमें जो है, हम कैसे, मैं इस आज़ादी को आज़ादी मान लूँ। आप देश को आज़ाद करें मैं भी चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप हमें आज़ादी दिला दें, मैं ये भी चाहता हूँ, मेरे लोगों को भी आज़ादी दिला दें। तो इस सब को देखने के बाद इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल को समझ में आ गया था, और उसके साथ साथ सर जॉन साइमन यहाँ भारत में एक दौरा करने के लिए आया था, और वो भारत की स्थिति को जानने आया था कि वास्तव में इन लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। अब साइमन कमीशन ने भी जाके अपनी, सर जॉन साइमन जो कमीशन थे, उन्होंने जाके अपनी रिपोर्ट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को सौंप दी थी, और रिपोर्ट में भी उन्होंने दे दिया था कि भाई इन लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं होता है। तो इन उस रिपोर्ट के आधार पर, इनकी तर्क वितर्क के आधार पर, जो उस वक्त वहाँ के प्रधानमंत्री मिस्टर रैमजे मैकडोनल जी ने एक घोषणा की 17/8/1932 को कैमनल अवार्ड की घोषणा कर दी। ये कैमनल अवार्ड क्या था? कैमनल अवार्ड ये था कि हमें जो डबल वोट का अधिकार मिल गया था, उस वक्त जब चुनाव थे तो जनरल सीट पे जनरल खड़ा होगा, एससी सीट पे एससी ही खड़ा होगा, एससी ही वोट डालेगा। तो हमारे उस वक्त 88 एमपी रिजर्व सीट के चुन के आते थे, तो रिजर्व सीट से 88 एमपी आते, और जनरल से भी हम उन लोगों को वोट करते जो हमारे हित की बात करता, तो इस तरीके से तो गवर्नमेंट हमारी बन जाती। और कैमनल अवार्ड की घोषणा जैसे ही हुई, वहाँ तो महात्मा गांधी जी मान गए, लेकिन जैसे ही वापस इंडिया आए, आते के साथ ही उन्होंने इस अधिकार के खिलाफ, डबल वोट के अधिकार के खिलाफ अनशन रख दिया, और वो अनशन पे बैठ गए। अब अधिकार तो हमें अंग्रेज़ों ने दिया था जी, अनशन पे तो बैठने का महात्मा गांधी जी का कोई राइट ही नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ विरोध नहीं किया, भारत में आकर के विरोध जताया और वो अनशन पर बैठ गए। और वो उन्होंने कहा कि मैं ये डबल वोट का अधिकार पास नहीं होने दूंगा, और डबल वोट का अधिकार पास नहीं होने दिया। और अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों ने जब देखा कि भाई विरोध ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने गांधी जी को उठाया और यरबदा जेल के अंदर बंद कर दिया। यरबदा जेल के अंदर गांधी जी अनशन पर बैठ गए और उन्होंने अपना खाना पीना छोड़ दिया। 1/9/1932 को गांधी जी अनशन पर बैठे, 5/9/1932 को कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कोठी पे आके कहने लगे। कस्तूरबा गांधी कहती हैं कि डॉक्टर साहब आप मेरे पति के प्राण बख्श दें, और कमला नेहरू कहती है कि डॉक्टर साहब हम आपसे बापू के प्राणों की भीख मांगने आए हैं। उधर पंडित मदन मोहन मालवीय कहता है, जो गले में गमछा डालता था, वो कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर, मैं एक पंडित होकर आपके सामने बापू के प्राणों की भीख मांग रहे हो, क्या आप मुझे भीख नहीं दोगे? तो बाबा साहब ने कहा कि जब मुस्लिमों को अधिकार मिले तो गांधी जी अनशन पर नहीं बैठे, जब सिखों को मिले, पारसियों को मिले, मुस्लिम उसको क्रिश्चनों को मिले, तो तब वो अनशन पर नहीं बैठे। लेकिन आज मैं अगर अपने लोगों के लिए अधिकार लेके आया हूँ तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए, भला होता, अच्छा होता कि वो मेरा साथ देता, बजाय साथ देने के वो तो विरोध कर रहे हैं। तो मैं
जब वो अपनी जिद पे अड़े तो मैं भी अपनी मेरी मेरी वजह से मैं अपने इतने भाइयों को नहीं मार सकता, जहाँ जो गांधी जी को करना वो करें। ऐसे कह के बाबा साहब ने बात को ख़त्म कर दिया। वो लोग वापस निराश होकर चले गए। दिन निकलते गए, 17 तारीख को बाबा साहब को धमकी आने लगी कि हम जो है आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे आपके समाज के लोगों को, मार देंगे, हमारा गांधी को कुछ हो गया, गांधी जी को कुछ हो गया तो बहुत गलत हो जाएगा, तो मार काट मच जाएगी। तो बाबा साहब बड़े दुखी हुए कि देखो ये कैसी व्यवस्था है, अकेले आदमी पे इतना बड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है। तो बाबा साहब ने धमकियों की परवाह नहीं की, और बाबा साहब कभी डरते नहीं थे, वो हमेशा धमकियों का मुकाबला करते थे। लेकिन 20 तारीख को, 20/9/1932 को दिन के 12 बजे महात्मा गांधी जी ने पानी पीना भी छोड़ दिया। अब जब बाबा साहब को पता चला कि गांधी जी ने पानी पीना भी छोड़ दिया तो बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ, और बाबा साहब नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी को नुकसान हो, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, उन्होंने कभी कोई परेशानी नहीं दी, खुद ने पूरे जीवन परेशानियां सहन की, समाज के किसी आदमी को उन्होंने खरोंच तक नहीं आने दी अपनी वजह से। तो जब बाबा साहब ने देखा कि इन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया है तो बाबा साहब बड़े दुखी हुए, और हर रोज़ अखबारों में, रेडियो पे यही न्यूज़ चल रही थी, गांधी जी दिन पे दिन तबीयत ख़राब हो रही है, तो गांधी जी के बारे में न्यूज़ें चल रही थी कि गांधी जी को कभी भी कुछ हो सकता है। तो बाबा साहब बड़े दुखी हुए, और बाबा साहब ने फिर 24/9/1932 को शाम के 5 बजे यरवदा जेल के अंदर जा कर के गांधी जी से मिले, और गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप क्या चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं इस छुआछूत को ख़त्म करना चाहता हूँ, इस गरीबी को ख़त्म करना चाहता हूँ, इस भेदभाव को ख़त्म करना चाहता हूँ, और जो हमारे रिजर्व सीट से जो MP चुन के आते हैं उनकी सीटें जो है अभी 88 हैं, जब आप उनको पास नहीं कर रहे हो तो उनकी वो सीटें बढ़ा दो। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, मैं आने वाले 10 सालों के अंदर मैं ये वचनबद्ध करता हूँ, मैं ये वचन कहता हूँ कि आने वाले 10 सालों में मैं गरीबी, छुआछूत और ये भेदभाव को बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा। ऐसा गांधी जी ने कहा, और एक समझौता साइन हुआ वहाँ पे, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद में वो पूना पैक्ट में हमें डबल वोट का अधिकार खोना पड़ा, लेकिन बदले में हमें ये जो है कहा कि हम आने वाले 10 सालों में ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे। अब बाबा साहब ने तो कहीं कहा ही नहीं कि मुझे रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन तो हमें हमारे ऊपर बापू जी का थोपा हुआ हथियार है, जो बापू जी ने हमें 1932 में ज़बरदस्ती थोप दिया था, और उसे हम आज तक ढोते आ रहे हैं। हम तो 1932 में इस देश के राजा बन गए थे। अगर रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं, मैं उस समाज के उन लोगों से कहना चाहती हूँ, खूब शौक से कर दें रिजर्वेशन ख़त्म, लेकिन हमारा 1932 का जो अधिकार, जिसके बदले में हमने जो अधिकार छोड़ा था, वो हमें वापस लौटा दें, रिजर्वेशन हम वापस दे देते हैं। हमने तो कभी, बाबा साहब ने रिजर्वेशन नहीं मांगा, यहाँ मैंने जितना भी बात की इसमें कहीं बाबा साहब का जिक्र नहीं है कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन मांगा। तो रिजर्वेशन हम पर थोपा गया है, और ये रिजर्वेशन का वो है। जब आज तक उसके 1932 के बाद महात्मा गांधी जी 16 साल तक जिंदा रहे, लेकिन ना गरीबी ख़त्म हुई, ना छुआछूत ख़त्म हुई, ना भेदभाव ख़त्म हुआ। आज जो आज भी चली आ रही है, जब आज भी गरीबी चली आ रही है, छुआछूत चली आ रही है, भेदभाव चला आ रहा है, आज भी समानता नहीं है, तो रिजर्वेशन कैसे ख़त्म हो जाएगा? आप इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दो तो रिजर्वेशन ख़त्म अपने आप हो जाएगा, जातियों को ख़त्म कर दो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये रिजर्वेशन तो बाबा साहब ने कभी मांगा ही नहीं था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।